नवनियुक्त मेघालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे मेघालय राजभवन में आयोजित होगा। इससे पहले कल शिलोंग पहुंचे जस्टिस मोहम्मद रफीक का हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वागत किया। पुलिस के जवानों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो मेघालय मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह है आज सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजन होगा। और मेघालय मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह कल ही पहुंचे और कल भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मोहम्मद रफीक जो कि आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजन होगा और महत्वपूर्ण पद जिसकी जिम्मेदारी आज संभालेंगे मोहम्मद रफीक। सुबह 11 बजे राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे पहले कल जब पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया जो कर्मचारी थे हाईकोर्ट के, और साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर जो पद है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सुबह 11 बजे राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मेघालय मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन में यह आयोजन होना है और निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिसकी आज से शुरुआत होगी। और बतौर मुख्य न्यायाधीश आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे मोहम्मद रफीक। सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजन होगा कार्यक्रम का। इससे पहले कल ही पहुंचे और कल भव्य स्वागत किया गया और साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और आज और निजाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। निजाम, बड़ी जिम्मेदारी और 11 बजे से भव्य कार्यक्रम, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक आज जो मेघालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जो राज्यपाल हैं तथागत राय, वो उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हम मौजूद हैं अभी मेघालय के शिलोंग में जो राजभवन है, उस राजभवन के जब बाहर हैं हम, और उस अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो अतिथियों का आने का क्रम शुरू हो गया है, और मुख्यमंत्री जो यहाँ के मुख्यमंत्री है कोनाट संगमा, उसके सही जो कैबिनेट के कुछ मंत्री हैं वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। और खास तौर से अगर बात करें तो मुख्य जो नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मोहम्मद रफीक कल ही यहाँ पहुँच चुके थे, और इनके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के भी और राजस्थान से कई हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही करीब 30 से ज़्यादा जो गेस्ट हैं वो राजस्थान से यहाँ पे पहुँचे हैं। 11 बजे से ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, और अगर सही मायनों में कहा जाए तो 10:58 पर राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की एंट्री होगी, और फिक्स 11 बजे राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं वो पूरा जो राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ नियुक्ति वारंट है वो पढ़कर सुनाएंगे, और उसके बाद जो है सारा कार्यक्रम शुरू होगा। और करीब ये 7 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा शपथ ग्रहण समारोह का, और ये बड़ी ये कह सकते हैं कि राजस्थान की न्यायपालिका के लिए एक बड़ी बात है और बड़ा दिन है आज कि देश में 5 जगहों पर अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज राजस्थान से जुड़े हैं, इसके अलावा भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ अब मेघालय हाईकोर्ट 3रा हाईकोर्ट है जहाँ पर किसी राजस्थान से जुड़े जज की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो रही है। तो ये एक बड़ा दिन है आज का, एक ऐतिहासिक पल भी है कि राजस्थान के लिए, राजस्थान की जुडिशरी के लिए, और साथ ही मेघालय के लिए भी कि एक उन्हें बेहतरीन जज जो है राजस्थान के वो उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मिलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर निजाम, और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, और जब इस पद पर आएंगे तो उनके लिए प्रायोरिटीज क्या कुछ होने वाली है? देखिए, मेघालय हाईकोर्ट देश के सबसे छोटे हाईकोर्ट में से शामिल है। करीब 1200 से 1400 के बीच में ही यहाँ पर जो पेंडिंग केसेज हैं उनकी संख्या है। तो ये हमेशा ही किसी भी जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है देश में तो उनको मेघालय त्रिपुरा सहित ऐसे हाईकोर्ट दिए जाते हैं ताकि वो उनको प्रशासनिक मामलों को समझ सके, उनको और ज़्यादा अनुभव हो। उसके बाद उनका ज़्यादातर देखा हमने में कि उसके तबादले बड़े हाईकोर्ट में होते हैं, तो ये भी एक बड़ा क्रम है। मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं उनके लिए भी एक शुरुआत है एक तरह से कह सकते हैं, और एक उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं वो उसी के रास्ते, मेघालय के रास्ते
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आने वाले 6 महीने, उनके लिए काफ़ी उम्मीदों भरे हैं और राजस्थान की न्यायपालिका के लिए भी वो उम्मीद की नज़र से देख रही है कि शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एक और जज शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज कह सकते हैं कि मेघालय हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जो शपथ ग्रहण है उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ ही देर में जो गेस्ट हैं वो राजभवन आना शुरू हो जाएंगे। नजर रहेगी बहुत।